रियासत में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 4000 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। कल पटना के अलग अलग अस्पतालों में 291 नए मरीज मिले हैं। इस बीच NMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर हीरालाल महतो और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेनू रोहतगी ने डेंगू वार्ड का जायजा लिया। नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि डेंगू से मुतासर मरीजों को सभी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। अभी हमारे पास 50 मरीज भर्ती हैं, बच्चे भी हैं, 10 बच्चे मरीज हैं और बाकी सब बहुत सारा पटना के हैं, बहुत सारे लोग बाहर के भी हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है, सफाई, दवा, खाना, मच्छरदानी, प्लेटलेट्स की व्यवस्था, सारा इंतजाम हम लोग करवाए हैं। कितने बेड का अस्पताल उसको बनाया गया? अभी 75 बेड का डेंगू अस्पताल हम लोग यहाँ बनाए हैं। सफाई हम लोग यहाँ आउटसोर्स है, जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हम लोग अच्छा उपयोग कर रहे हैं, सफाई में कोई दिक्कत नहीं है।